हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ नीट की एमबीबीएस की जो मेरिट लिस्ट बची हुई है पेंडिंग जिस स्टेट की, और दोस्तों एमसीसी और जो एम्स एग्जाम की जो स्टे वैकेंसी राउंड है उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सो गाइज, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो भी बच्चे अभी स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो और रिमेनिंग स्टेट्स की अपडेट जानना चाहते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखें फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एमएसटी सीटी 2022 एग्जाम की, तो दोस्तों आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच लेके आया है अनअकैडमी। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आपके लिए एडवांस में ये बैच एमएसटी सीटी का आपके लिए लेके आया है। जो भी बच्चे एमएसटी सीटी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और सबसे अच्छी चीज़ क्या है दोस्तों, ये बैच 25th ऑफ जनवरी मतलब इसी मंथ से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे एमएसटी सीटी का लॉन्ग टारगेट लेके बैठे हुए हैं दोस्तों, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो कि एमएसटी सीटी का 25th ऑफ जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। इंडिया की टॉप फैकल्टी दोस्तों इस बैच में आपको पढ़ाएंगी। जो 2022 का बैच है, तो मतलब क्या है कि पूरा डिटेल एनालिसिस आपका कराया जाएगा। मुकुल सर से कराया जाएगा, विजय सर से कराया जाएगा, प्रियांक सर से कराया जाएगा, सुयोग सर से कराया जाएगा। और दोस्तों ये बेस्ट 25th ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे एमएसटी सीटी 2022 को टारगेट लेके बैठे हैं दोस्तों, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आज ही जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें और इस कॉम्प्रिहेंसिव बैच को ज्वाइन करें। एंड फ्रेंड्स, इसका जो शेड्यूल आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इस कॉम्प्रिहेंसिव बैच का जो एमएसटी सीटी 2022 का शेड्यूल है, 25th ऑफ जनवरी से 11:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। 11:30 बजे से दोस्तों आपको इसमें, जैसे कि आपका पीसीएमबी के स्टूडेंट हो तो आपका पीसीएमबी का बैच होगा, जिसमें मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, एल्जेब्रा पढ़ाई जाएगी। अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हो तो उसके लिए दोस्तों सेपरेट बैच आप देख सकते हो कि पीसीबी का भी बैच है। और उसके साथ दोस्तों अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एल्जेब्रा, टिक्नोमेट्री का बैच होगा। और जो पीसीएम के बच्चे हैं उनका जो बैच है 2 बजे से स्टार्ट होगा 25th ऑफ जनवरी को दोपहर के 2 बजे से। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बच्चे एमएसटी सीटी 2022 को टारगेट लेके बैठे हुए दोस्तों, उनके लिए बेस्ट टाइम है कि अभी जल्दी से जाके इस बैच को ज्वाइन कर ले, ताकि जितने सीटें फिल अप हो उससे पहले आप इसको ज्वाइन कर पाओ। और दोस्तों अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आप ले सकते हैं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन। गाइस, एक सब्सक्रिप्शन होता है जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है इंडिया की टॉप फैकल्टी, और उसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट्स मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। आपको प्रीमियम कंटेंट मिलेगा, वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपकी क्विजेज होगी रेगुलर इंटरवल पे। उसके बाद साथ दोस्तों आपके बैचेज होंगे, कंप्लीट प्रिपरेशन इसके साथ साथ होगी, आपकी टेस्ट सीरीज होगी, फुल लेंथ एनालिसिस आपको मिलेगा। और एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मल्टीपल अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है। जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया वो ले सकते हैं दोस्तों। 12 मंथ में सिर्फ और सिर्फ आपको देना है 1 साल का 14,850, 6 मंथ में दोस्तों 12,150। एंड गाइस, सबसे अच्छी चीज़ क्या है, अनअकैडमी आपके लिए 6 मंथ का दोस्तों नो कॉस्ट ईएमआई भी लेके आप 2,000 रुपये पर मंथ दे के भी दोस्तों इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों उसके साथ साथ जिन बच्चों ने भी अभी तक अनअकैडमी का आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो ले सकते हैं दोस्तों, और उसमें फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और उसमें रेफरल कोड आपको जो यूज़ करना है वो है RC2020। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक अनअकैडमी का आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया वो आज ही जाके ले और मेरा रेफरल कोड यूज करें गाइस, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है RC2020, और फ्लैट 10% का ऑफ ले। तो ये दोस्तों जल्दी से, इसका जो लिंक है मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको करना क्या, डिस्क्रिप्शन पे जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और अनअकैडमी का आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन मेरे रेफरल कोड RC20 से ले और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें। लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने से आपके बेनिफिट ये हैं कि आपको जितनी भी स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस होती हैं वो सब आप मेरे रेफरल कोड से अनलॉक कर सकते हो फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपके सामने एमबीबीएस की अपडेट लेके आया हूँ। तो ये अपडेट है हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों इसमें एक नोटिस आया हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इसमें लिखा है इन रेफरेंस टू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 29th December 2020 वाइड विच फीस ऑफ एमबीबीएस कोर्स रनिंग अंडर द प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूट एफिलेटेड बाई बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों जो प्राइवेट कॉलेज है उनके, जिनकी फीस को लेके दोस्तों नोटिफिकेशन आया था, उसमें बता दिया गया है कि उनकी जो फीस है वो फिक्स कर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट के साथ ने जो नोटिस दिया है। और दोस्तों इट इज़ फॉर द इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल द कैंडिडेट एंड देयर पेरेंट्स हुज चाइल्ड हैज़ टेकन एडमिशन इन द आदेश मेडिकल कॉलेज कुरुक्षेत्रा, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर एंड एनसी मेडिकल कॉलेज पानीपत, दैट इफ एनी ऑफ द अबव मेंशन कॉलेज हैज चार्ज हायर फीस देन द नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, देन दे कैन कनेक्ट विद द रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जैसे आपको पता है कि हरियाणा में काफ़ी प्राइवेट कॉलेज के लिए काफ़ी मैटर चल रहा था कि जो फीस है वो हाइक हो रही है, कितनी फीस हाइक होगी या पर ईयर के बेसिस पे क्या होगा कि एक फिक्स्ड फीस होगी, और पर एनम उसका जो भी 5-7% जितना हाइक था वो मेंशन किया गया था। उस चीज़ को लेके दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आगे गई थी। तो उसी चीज़ के लिए दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट ने एमबीबीएस के बच्चों के लिए बोला है कि जिन कॉलेज का नाम बताया दोस्तों, आदेश मेडिकल कॉलेज, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर का, और उसके बाद एनसी मेडिकल कॉलेज, अगर इन कॉलेज में किसी बच्चे ने अगर एडमिशन ले रखा है और उस कॉलेज ने अगर
ज़्यादा फीस जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की है उससे ज़्यादा फीस अगर गवर्नमेंट बोली जा रही है तो वो इन रेस्पेक्टिव नंबर्स पे स्टेट की मेडिकल अथॉरिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि उस पर रेस्पेक्टिव चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और वो उनको अगर किसी कॉलेज ने ज़्यादा फीस चार्ज की है तो उनके लिए दोस्तों ये आप गवर्नमेंट से कनेक्ट करके उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर दे रखी है आदिश मेडिकल कॉलेज की, एन सी मेडिकल कॉलेज की एंड वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज जज्जर की, तो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल नीट एग्जाम न्यूज़ पे भी शेयर करूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली अपडेट दोस्तों मैं लेके आया हूँ पंजाब स्टेट की। तो जो भी बच्चे पंजाब स्टेट से हैं तो उनको बता देना चाहता हूँ कि उनकी एक्सटेंडेड स्टे वैकेंसी राउंड का नोटिफिकेशन आ गया। जितनी भी BDS की सीटें बची हुई है, तो जो बच्चे पंजाब स्टेट से हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि उनकी BDS का जो स्टे वैकेंसी राउंड की जितनी भी लेफ्ट ओवर सीटें बची हैं वो दोस्तों उनके लिए 18 जनवरी से लेकर दोस्तों 25 जनवरी के बीच में पूरा डिटेल आपके सामने आ गया है। और दिस इज़ द कम्प्लीट शेड्यूल फॉर द स्टे वैकेंसी एक्सटेंडेड जो सीटें हैं BDS की। तो आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट 18 से 25 तक कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 27 को होगा। 28 जनवरी को दोस्तों आपका स्टैंडर्ड फिजिकल आपका काउंसलिंग होगा BDS के लिए स्टे वैकेंसी राउंड का, जिसका लोकेशन आपको दे रखा है। और दोस्तों 30 तारीख तक वो आपको ज्वाइन करना है। तो जो भी बच्चे पंजाब स्टेट से हैं और BDS के लिए भी ट्राई करते हैं तो उनके लिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप इसमें जाके अपने रेस्पेक्टिव जो डेट्स हैं वो अभी ओपन है पंजाब स्टेट के लिए, तो वहां पे जाके आप BDS में जो बची हुई लेफ्ट ओवर सीटें हैं उन पे आप एडमिशन ले सकते हो। उसके साथ साथ दोस्तों बिहार स्टेट ने जो भी बच्चों का MBBS में एडमिशन हुआ था राउंड 2 को लेके, जो स्टेट कोटा की जो सेकंड राउंड काउंसलिंग हुई थी उसमें जिन जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है वो पूरा का पूरा लिस्ट यहाँ पे जारी कर दिया है। तो उसमें लिखा हुआ है UGMAC 2020 लिस्ट ऑफ द एलोटेड कैंडिडेट ऑन बेसिस ऑफ UGMAC सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो दोस्तों ये जो अपडेट है वो बिहार के स्टेट्स के लिए है। तो जो भी बच्चे बिहार स्टेट से वो नीट की AIR पे दोस्तों अपनी रैंक चेक कर सकते हैं और अलॉटेड जो कॉलेज है MBBS का बिहार स्टेट में अगेंस्ट UR कैटेगरी जनरल OBC SCST जितनी भी कैटेगरी हैं उन सभी का बिहार स्टेट ने यहाँ पे एलोकेशन दे दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों के AIR मार्क्स बताई है, यहाँ पे उनकी स्टेट रैंक बता रखी है, यहाँ पे उनका सीट और किस कॉलेज में उनका हुआ है और किसी का अगर अपग्रेडेशन से हुआ है तो उसका आपका पूरा स्टेटस यहाँ पे दे रखा है। और जिस कॉलेज का है जैसे कि बच्चों का IGMS पटना में 8517 पे हुआ है, 8672 रैंक पे बच्चों का IGMS पटना मिला है। तो ये कंप्लीट सीट बिहार स्टेट ने जारी कर दी है कि किस रैंक तक का पूरा एलोकेशन मिला। देर आर 31 डॉक्यूमेंट्स, सो इसमें जो पूरा डिटेल दिया गया, जैसे आप देख सकते हो कि जिस बच्चे की रैंक 17769 थी उसको मुजफ्फरनगर का कॉलेज मिल गया, MBBS का एलोकेशन हुआ दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों EWS कोटा में भी जो बच्चे थे EWS की कैटेगरी की वाइस से बिहार ने ये कंप्लीट मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। तो जो भी बच्चे बिहार स्टेट से हैं वो अपना यहाँ पे नाम चेक कर सकते हैं कि उनका जो राउंड 2 का था किस मेरिट में कहाँ तक का कट ऑफ का एनालिसिस है वो कंप्लीट यहाँ पे दिया हुआ है। उसके साथ साथ दोस्तों BAMS BVSC और MBBS की भी कंप्लीट यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड सीट है, तो बच्चे यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। इस कंप्लीट शीट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल नीट एग्जाम न्यूज पे शेयर कर दूंगा जहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों की सारी डिटेल है, उनके नीट के रोल नंबर नाम है, नीट की AIR है, UR रैंक है, कैटेगरी रैंक है, इंस्टीट्यूट वाइज अपडेट है और उनको कौन सा कोर्स एलोकेट हुआ वो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे प्रेजेंट है। फ्रेंड्स, अब चलता हूँ नेक्स्ट डेट के अपडेट पे। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों महाराष्ट्र से, तो जो भी बच्चे महाराष्ट्र स्टेट से हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जारी हुई है। तो शेड्यूल फॉर मॉपअप राउंड 5 और 6 फॉर इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटा जो BDS का, उसका नोटिस जारी हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप हो महाराष्ट्र स्टेट से, तो अगर आपने इंस्टीट्यूशनल कोटा से महाराष्ट्र स्टेट के अंदर पार्टिसिपेट किया है तो ये कंप्लीट शेड्यूल आ चुका है BDS कोर्स के लिए दोस्तों, ये शेड्यूल आया। तो जो भी बच्चे महाराष्ट्र स्टेट से इस कंप्लीट शेड्यूल को देख सकते हैं। तो उसके अंदर मॉपअप राउंड की जो मेरिट लिस्ट है दोस्तों, तो लगभग 30 तारीख को ये एंड होगा और दोस्तों इसका एप्लीकेशन फॉर्म 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी इंस्टीट्यूशनल कोटा से अप्लाई किया है वो जाके महाराष्ट्र स्टेट के लिए BDS के लिए मॉपअप राउंड 4 और मॉपअप राउंड 5 और 6 के लिए जो अलॉटमेंट राउंड है इंस्टीट्यूशनल कोटा का उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अभी तक की अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एंड रिजल्ट्स।